मेरी औकात तुम जैसे नीच जात वालों की मार लोगी तो कोई औकात नहीं है बोले कि मेरे घर पे दहलीज पर आकर मेरे जब से पैसा निकालो। बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है बोले, तुम्हारी औकात नहीं है बोले। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब परम पुंजो को गाली दी है। और दूसरी बात, उन्होंने जब मैंने अपनी आवाज ऊंची करी तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ उठाने के पहले उन्होंने बोले कि मुझ मेरे से बदतमीजी से बात की, मुझसे माफी मांगो बोले, पैर पड़ो, मेरे बीवी से भी माफी मांगो बोले, मेरे दो बच्चों से भी माफी मांगो बोले कि आपने उनको धमकी दी। मैंने धमकी नहीं दी थी, सिर्फ इतना बोला था जितने बार आऊंगी उतने बार पेट्रोल का पैसा लूंगी क्योंकि मैं अभी मुड़ के नहीं आ सकती। पैर पड़ने के बावजूद, सॉरी बोलने के बावजूद, गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। बोले तुम जाओ बोले यहाँ से, ज्यादा फड़फड़ करी बोले तो यहीं पर ही तुमको अंदर करवा दूंगा बोले। मैं थाने में आई, मैं जब मुझे उन्होंने थप्पड़ मारा तब मैं भागती हुई पुलिस चौकी के पास आई। वहाँ पे दो लोगों को बताया कि इन्होंने मेरा साथ ऐसा किया, वो लोग आए तो वो उन पे चढ़ के बात कर रहे थे। तो दो मेजर सर ने बोला पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाइए। जब मैं यहाँ पे 9:30 बजे आई तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर व्यक्ति ने बोला कि इतने रात को, उनके शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, इतने रात को हम लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते बोले। कनाथ लड़की कामटी से इधर आई है न्याय मांगने के लिए, कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। मेरी कंप्लेंट नहीं ली, कल आप अपने हाथ से अर्जेंट लिख कर आना बोले, तब आपकी कंप्लेंट लेंगे बोले। तो ये मुझे बहुत खराब लगा। मैं उतनी रात को वापस गई कि कल आऊंगी। जब दूसरे दिन मैं 12 बजे यहाँ पर अपना अर्ज लेकर आई, अर्ज सबमिट किया, उसके बाद भी पुलिस स्टाफ में से किसी का कोई एक्शन नहीं था, जबकि मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ मारहाण की है, बदतमीजी की है, व्यवहार गलत था, फिर भी कोई एक्शन नहीं था। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा केस किसके पास है। दूसरे दिन फिर मैं आई तो मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे रिसीप्ट कॉपी नहीं मिल रही थी। मैं सभी से पूछ रही मेरा केस किसके पास है, रिसीप्ट दीजिए, कोई देने को तैयार नहीं, सब बाहर है, बिजी है, सब एक के ऊपर एक केस ढकलते जा रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है, मेरे मौलिक अधिकारियों का आनंद हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन इंसाफ चाहिए, और जो मेरे साथ बदतमीजी की उसके लिए उन्हें पनिशमेंट होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का पैसा मांगने गई थी। हो मी बयान मध्ये टाकलेला आहे की त्यांनी मला नीच जाती के मार लोगो बोले, तुम भेड़िया हो बोले। जी नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, ये मुझे पुलिस स्टाफ में से किसी का कोई कोऑपरेट नहीं मिला, एक के ऊपर एक सब टक्कर रहे थे। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि कानून सुरक्षा हमारी नागरिकों के लिए, और नागरिकों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ का जो बिहेवियर था मुझे नहीं पसंद आया, मतलब वो मेरे फेवर में नहीं था। और मुद्दे की बात यह है, कल जब गुनेगार पीआई के कैबिन में आया तो पीआई उनको समझा रहे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो गुनेगार के साथ एक व्यक्ति आया था, नाम नहीं पता मुझे, पॉलिटिशियन था, वो मुझे बोल रहा था कि बेटा 7,000 का है, 2-3,000 में लेके शॉर्ट आउट कर लो, वरना आपको ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। पीआई के सामने मुझे उसने इस तरीके से धमकी दी। मैंने उसको रिटर्न में यह भी बोला कि आप पीआई के सामने धमकी दे रहे हो, नहीं बोले धमकी नहीं दे रहा बोले, लेकिन आपको गलती भारी पड़ेगी बोले, बस इतना बोलना चाहता हूँ बोले। तो मुझे बहुत डर लग रहा है उसका कि वो मेरे साथ कुछ अनहोनी ना करे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, ये मैम साथ देंगी तो बस मैम है मेरे साथ, माँ जैसे, बाकी मुझे बस इंसाफ चाहिए। ये है 18 तारीख की चीज, मैं 18 10 रात्रि आली होती, 18 19 20 मैं लगातार 3 दिवसापासून इथे येऊन राहिली आणि इथे बसून आहे।